हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का हमारा जो लेसन है वो भी सोनी स्क्रिप्टूरा पे है, आवाज़ और लिखाई। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें कुछ गलतियां थी, इस वजह से वो मुकम्मल नहीं कर पाया, तो आज उसको मुकम्मल करूंगा। तो लास्ट टाइम हमने जी को पढ़ा था लेकिन हाफ पढ़ा था, तो आगे से शुरू करते हैं। जिन्होंने वो रिसेंटली वीडियो नहीं देखी वो देख ले। जी अक्का ई गी फूंगी, एफ ओ एन जी अक्का ई फूंगी, फूंगी मतलब खूंबियाँ। जी ई आ जा जाका जैकेट। तीसरे नंबर पे है जी ई ओ जो, जी ई ओ जो। जी आ का एर ए रे जो का रे खेलना। जी ई ओ जू, जी ई ओ जू। डी ई दी ची ए ची दू जू दिशे मतलब जज। इसी तरह आप दो दो अल्फाज, तीन तीन अल्फाज, जिस तरह ये अल्फाज मैं आपको बता रहा हूँ इनको माइंड में रखें तो आप इटालियन के लफ्ज़ पढ़ना सीख जाएंगे। आगे जी एल ली फामिलिया, जिस तरह लफ्ज़ है फामिलिया मतलब फैमिली। जी एन नी एर आ जी एन ओ रान्यो मकड़ी, लास्ट वाला लफ्ज़ जो है। तो ये जी के थे। आगे लफ्ज़ जो एस है, एस में एस से ची ए शे, जिस तरह पी ए पे पेशे, पेशे मतलब मछली। दूसरा लफ्ज़ है एस से ची ई शी, जिस तरह ऊ शीता, उशीता बाहर जाने का रास्ता। एस से ची ई आ शा शाले शाल। एस से ची ई ओ शो शो पेरे शो पेरो हड़ताल। एस से ची ई ऊ शू शुपारे खराब। जब एस और ए आ जाएगा मतलब सिंगल एस, तो वो ज्यादातर जे की आवाज देता है, जिस तरह जेड की आवाज होती है। जा काजा, जिस तरह आपने सुना होगा नॉर्मल लफ्ज काजा मतलब घर। और जब डबल एस हो जाएगा, दो एस और उसके बाद ये नीचे मैंने लिखा हुआ है एस प्लस ए ई आई ओ यू, जब वावल जरूफ आ जाएंगे तो वो जेड की आवाज देता है वो जो ऊपर है। जब डबल एस हो जाएगा तो वो हमेशा एस की आवाज देगा, सीन की आवाज देगा, डबल एस ए, जिस तरह कासा काउंटर। तो ये एस के आवाज थे, अल्फाज थे। अभी ये जिस तरह कुछ मैंने 12 लफ्ज लिखे हैं, चेना कोदा कालमा गोला गालो जियालो, ये जूस्तो कोजा कोनीलियो कुन्या तो शिवोलारे क्वेस्तो। ये पहले मैंने दो दो करके तीन तीन अल्फाज करके लिखे हैं इस तरह की, इनको राम राम से पढ़े फिर आगे पूरा अल्फाज पढ़े। तो इसकी प्रैक्टिस करें आप, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा अल्फाज पढ़ेंगे इन चीज़ों को माइंड में रख के, उतनी जल्दी जो है आप वो इटालियन सीखना शुरू कर देंगे। तो आज क्या मेरी वीडियो इतनी थी, तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा भी मेरे चैनल पर पोएट्री की, थोड़ी इंटरटेनमेंट की, आगे नेक्स्ट और भी वीडियो बना रहा हूँ। तो ये सिर्फ एक जो लोग इटली में रहते हैं उनकी हेल्प के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये जो इटालियन की है। तो अभी जो ये जो आपको कॉर्नर में छोटा सा आ रहा नज़र आ रहा है आइकॉन सा, इसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी जो सजेस्टेड वीडियो है वो आप ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच।